top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. काम करने वाले संगठनों से आज प्रदेश को विकास की तरफ ले जाते हुए 4,357 करोड़ रूपये की परियोजनाओं के समाज पर प्रदेश कर रहे हैं। इस परियोजना मौजूदा जिला स्तर और दूसरी तरफ से खुशी देखी होगा। आप नमस्कार। प्रदेश की यशस्वी योजना एवं युवा माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत है। श्री रामनाथपुर जी हार्दिक स्वागत है। मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय मित्र का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित आप सभी अधिकृत और हमारे मीडिया के सहयोगियों का जब आज उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण प्राधिकरण एवं राजा पंचायत कारपोरेशन उद्योग की महत्वपूर्ण परंपरा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ स्वागत कर रहे हैं। श्री रमन जी अगरवाल जी प्रधानमंत्री ऊर्जा चेयरमैन चंद्रमाता एवं सैन्य प्राधिकरण मानुषी विशिष्ट सचिव और मैं अधिकृत का स्वागत कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया जी आमंत्रित कर रहे हैं। श्री रमानंद जी प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास संगठन का चाहिए मंत्री और जो चीजें जमीन पर यूज नहीं वो आगे नहीं बनी। हम तो केवल लखनऊ के बारे में सोचते थे कि लखनऊ में आती है जो आगे नहीं बढ़े। हमारे नोएडा के साथी भी जानते होंगे वो चल करके नहीं गए, वो आती आज भी इंतजार कर रहे हैं कि लखनऊ कैसे पहुंचेगा। किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का पैसा मार्गों और पत्थरों पर लगा दिया। वही समाजवादियों ने काम जमीन पर उतार के लिखा। ये तमाम काम हो रहे हैं जो जनता को लाभ पहुंचा है। अगर मेट्रो चल रही है तो आम लोग इसके सुविधा के लिए चल सके। बस का इंतजाम इसलिए किया कि गरीब लोग चल सके। स्टेडियम इसलिए भी है कि दराज दराज के खेल हो सके और आस पास के लोग अपना स्वास्थ्य बेहतर और खेल में भी रुचि ले सके। ये तमाम बुनियादी वसीलें हैं जो शहर की जरूरत है, गांव की जरूरत है, उनको समाजवादी में पूरा करते हैं। और केवल पूरा नहीं किया बल्कि वर्ल्ड क्लास चीजों को बनाने का भी काम किया। अभी लखनऊ की योजनाएं शुरू हुई थी, अब नोएडा की हो गई थी। आने वाले समय में 15 तारीख कल है बुंदेलखंड की तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शुरुआत होगा। मैं ये कह सकता हूं कि इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा जिसका समाजवादी ने करके दिखा दिया। जहां स्मार्ट सिटी की बात हो, मैं समझता हूं स्मार्ट सिटी कब बनेंगे तो नहीं जानता, लेकिन अमूमन गांव में जब किसी को किसी से थोड़ी नाराजगी होती है, वो व्यक्ति जब पसंद नहीं आता है तो जरूर कहते हैं कि हाँ ये बहुत स्मार्ट काम कर रहा है या गैर स्मार्ट गिरी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी स्मार्ट गिरी की पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया।
लाइनें जो खत्म होनी चाहिए थी अभी नहीं खत्म हो पाई, लाइन लंबी होती चली जा रही और ये हालात नहीं सुधरे तो सोचो तो लाइन कितनी लंबी होगी। और ये लाइन अगर चुनाव तक लगी रह गई तो जो वो वोट निकालने को बात होगी तो सोच में वोट गिर जाएगा। जनता तो एनडीए सरकारों के खिलाफ मतदान कर सकते, ढाई साल का भी हिसाब किताब देना पड़ेगा उन्हें, क्या कितना जनता के लिए क्या काम होगा। आज नोएडा नोएडा सक्षम है, जो भी नोएडा तो एक बहुत पैसा है और इसीलिए